अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 22 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पहले भी 3 से 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं। आज ट्रांजैक्शन का लास्ट टॉपिक है जिसमें टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में यही तक यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम मुख्तलिफ वे के ज़रिए किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आज हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स हैं, फ्लैट ट्रांजैक्शन और नेस्टेड ट्रांजैक्शन। फ्लैट ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है? फ्लैट ट्रांजैक्शन हैव अ सिंगल स्टार्ट पॉइंट बिगेन ट्रांजैक्शन। यानी फ्लैट ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है? वो ट्रांजैक्शन जिसकी सिंगल स्टार्ट पॉइंट होगा, यानी जहाँ से हमने ट्रांजैक्शन करनी शुरू करनी है वो सिंगल ट्रांजैक्शन से होगी। एंड इट इज़ अ सिंगल टर्मिनेटर पॉइंट, और जहाँ पर एंड होगा वो भी क्या चीज़ है? सिंगल ही होगा, यानी एंड ट्रांजैक्शन। ऑल आवर एग्जाम्पल इन दिस सेक्शन आर दिस टाइप, यानी जितनी भी हम एग्जाम्पल इसमें देंगे वो सारी क्या चीज़ें वो फ्लैट ट्रांजैक्शन में होंगी। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट वर्क इन द डेटाबेस हैज़ कंसीडर टू द फ्लैट ट्रांजेक्शन। यानी जितने भी मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होंगी वो ज़्यादातर क्या चीज़ें वो फ्लैट ट्रांजेक्शन के ज़रिए ही होती है। मिसाल के तौर पर हमारे एक अकाउंट से पैसे हम जब सेंड करते हैं किसी दूसरे अकाउंट में, तो क्या चीज़ें एक अकाउंट किसी दूसरे एक अकाउंट को ही डाटा एक टाइम में सेंड कर रहा हो तो उसे क्या चीज़ें फ्लैट ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाता है। यानी एक अकाउंट से जब हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किसी दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं होगा कि यानी एक तरफ से पैसे जा रहे हैं वो 2 या 3 लोगों को एट ए टाइम ट्रांसफ़र होने, नहीं, एक टाइम में एक ही आदमी को क्या चीज़ें डाटा ट्रांसफ़र होगा, यानी ट्रांजेक्शन होगी तो उसे क्या चीज़ें हम फ्लैट ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाएगा। तो इसकी हम एग्जांपल डायग्राम की वजाहत से इसकी वजाहत करते हैं। फ्लैट ट्रांजेक्शन इसमें क्या चीज़ें, हमारे पास एक क्लाइंट है और दूसरी तरफ क्या चीज़ें, ये हमारे सर्वर हैं। सर्वर एक्स हो गया, सर्वर वाई हो गया, सर्वर जी हो गया। तो यानी क्या चीज़ें, क्लाइंट जो है ना वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, एक्स को या वाई को या जी को। तो यानी क्या चीज़ें, यानी फिर क्या चीज़ें, यहाँ से डाटा क्या चीज़ें यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी यहाँ तो वो एक्स को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो वाई को ट्रांजेक्शन सेंड करेगा, और उसके बाद क्या चीज़ें जेड को ट्रांजेक्शन सेंड करेगा। ये नहीं होगा कि भी एट ए टाइम की चीज़ें वो तीनों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो पहला कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे को ट्रांसफ़र होगा, फिर क्या चीज़ें उसके बाद तीसरे को डेटा ट्रांसफ़र होगा या ट्रांजेक्शन होगी। तो ये क्या चीज़ें, ये हमारी फ्लैट ट्रांजेक्शन कहलाती है। अब आती है जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो नेस्टेड ट्रांजेक्शन है। नेस्टेड ट्रांजेक्शन जिस तरीके से हमने पहले भी कही था जैसी का टॉपिक, यानी एक के अंदर जो दूसरी होगी तो उसे क्या चीज़ें नेस्टेड का नाम दिया जाता है। एन अल्टरनेटिव ट्रांजेक्शन मॉडल इज टू द परमिट अ ट्रांजेक्शन टू इंक्लूड अनदर ट्रांजेक्शन। यानी एक ट्रांजेक्शन के अंदर अगर इंक्लूड करके हम एक और ट्रांजेक्शन बना ली जाए विद देयर ऑन बिगेन एंड कमिट पॉइंट, यानी जो स्टार्ट भी और जो अपनी तरफ से स्टार्ट होगी और क्या चीज़ें कमिट, यानी जिसमें क्या चीज़ें क्यूरी के जरिए हम क्या चीज़ें उसे कन्फर्म करेंगे। सच ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड नेस्टेड ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को नेस्टेड ट्रांजेक्शन कहते हैं। दिस ट्रांजेक्शन डैट आर एम्बेडेड इज अनदर, यानी एक ट्रांजेक्शन के अंदर एक अनदर ट्रांजेक्शन को क्या चीज़ें इम्बेड किया गया है, जिसे क्या चीज़ें सब ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाता है, तो उसे क्या चीज़ें हम नेस्टेड ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाता है। इसको हम देखिए, इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। तो हमारे पास देखो एक क्लाइंट है। अब T1 और T2 ये क्या चीज़ें हमारे सर्वर कहलाते हैं, लेकिन T1 से आगे जो है वो हमारे पास मेन 2 आ गया है। यानी T1 में जो है वो X में पड़ा हुआ है और T2 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ें Y में, लेकिन T1 से आगे जो है वो T11 है और वो क्या चीज़ें वो M में, और T1 जो है वो आगे क्या चीज़ें वो ट्रांसफ़र हो रहा है यानी T12 को, वो क्या चीज़ें जिसमें क्या चीज़ें N हमारे पास जो है वो हमारे पास N में जा रहा है। इसी तरीके से क्लाइंट को अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो T2 है, यानी हमारे पास 2 सर्वर हैं जिसना T1 हो गया और T2 हो गया, लेकिन उनके आगे जो हमने सब सर्वर बनाए हुए हैं तो वो क्या चीज़ें T2 जो है वो P को भी डाटा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और T2 जो है वो N को भी ट्रांसफ़र सेंड हो रही है। तो इसमें मिसाल के तौर पर जिस तरीके से ये देखो ना T11 जो है, जिस तरीके से ये वाला T11 है उसका जो सर्वर है वो कौन सा है, M में, और T12 और T21 का जो सर्वर है वो कौन सा है जी, वो हमारे पास N है, और इसी तरीके से T22 का जो सर्वर है वो कौन है जी, वो हमारे पास P है।
तो आइए इसको हम प्रोग्रामिंग के जरिए एक मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल 12.2 मोस्ट ट्रेवल। तो मोस्ट ट्रेवल एजेंट विल मेक रिजर्वेशन फॉर होस्टल एंड कार रेंटल इन द एडिशन टू द फ्लाइट। यानी इसमें हम एक होटल का डायग्राम वो बनाएंगे, उसमें क्या कह रहा है कि भी यानी एक फ्लाइट है, फ्लाइट के ज़रिए क्या चीज़ें जब आवाम आती है तो वो क्या चीज़ें किसी होटल में बैठते हैं और वो क्या चीज़ें मुख्तलिफ कार्स और मुख्तलिफ क्या चीज़ें होटल का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ वन चूज टू स्पेसिफिक ऑल ऑफ दिस वन ट्रांजेक्शन, यानी अगर वो एक ट्रांजेक्शन को चूज़ करेंगे तो द रिजर्वेशन ट्रांजेक्शन वुड हैव टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हम क्या चीज़ें एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बिगेन ट्रांजेक्शन रिजर्वेशन, यानी जब भी हम रिजर्वेशन करवाना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या चीज़ें यानी सबसे पहले जो है बिगन होगा, उसके बाद बिगन ट्रांजेक्शन एयरलाइन। सबसे पहले हम एयरलाइन की ट्रांजेक्शन करवाएंगे कि यानी हमने कौन सी एयरलाइन से क्या चीज़ें भेजनी है, कौन सी एयरलाइन से पर हमने सफ़र करना है। इस तरह सोन यानी एयरलाइन एक से ज़्यादा हो सकती। तो एंड एयरलाइन यानी क्या चीज़ें एयरलाइन की जो है वो हमारे पास लूप जो है या वो क्या चीज़ें हमारे पास वो ख़त्म बंद कर दिया। उसके बाद क्या चीज़ें फिर एयरलाइन के बाद क्या चीज़ें बिगन ट्रांजेक्शन होटल, और उसके बाद फिर क्या चीज़ें ट्रांजेक्शन होटल की ट्रांजेक्शन का करेंगे और क्या चीज़ें उसके बाद होटल की ट्रांजेक्शन एंड होगी, और लास्ट में क्या चीज़ें हमारे पास बिगन ट्रांजेक्शन कार होगी, यानी कार कौन सी चूज़ होगी तो उसके बाद क्या चीज़ें कार का भी हम। तो इसमें क्या चीज़ें यानी सबसे पहले जो है हम स्टार्ट किससे करेंगे, एयरलाइन से। एयरलाइन के अंदर होटल होगा और होटल से ही आगे क्या चीज़ें हम कार का चूज़ करेंगे, ठीक हो गया। यानी क्या चीज़ें हमारे पास ये आउटर होगी और आउटर ट्रांजेक्शन है, फिर इनर ट्रांजेक्शन और उससे आगे क्या चीज़ें ये हमारी इनर ट्रांजेक्शन कार वाली जो होगी वो इनर ट्रांजेक्शन कहलाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। किसी भी टॉपिक की समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।